फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बार बार हम लोगों को कोक्स किया और कहा कि हमें इस पर काम करना है, तो इन सारी जो चोरियां हो रही थी और साथ साथ ये टावर सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज थी, TSPs थी टेलीफोन वाली, ये हमें बता रही थी कि जो आस पड़ोस के राज्य हैं UP, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, वहाँ पर भी इसी तरह की चोरियाँ हो रही हैं। और वो ये भी बता रहे थे कि ये करोड़ों का नुकसान उनको हो रहा है कंपनीज़ को, क्योंकि अगर 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट है आप लगाइए और अगर 100 इंस्ट्रूमेंट भी अगर किसी के अगर चले जाते हैं तो 2 करोड़ रुपया सीधा सीधा कंपनी को लॉस हो गया। तो इसके आगे मैं आपको ये बताऊँगा कि अब तक हम लोगों ने इसमें 14 अलग अलग रेट्स की हैं। इस साल जनवरी से स्टार्ट करते हुए आप लगा लीजिए 10वां महीना ख़त्म होने को आया, तो 14 रेट्स, 14 बार हमने बहुत सारे मुलजिम पकड़े हैं, 14 बार रिकवरीज की हैं, 14 बार रिमांड लिए हैं, 14 बार सर्चेस किए हैं, 14 बार इंटरोगेशन की है। कितनी हमारे को मेहनत लगी, कितनी बार हम लोगों ने कन्फ्रंटेशन की मुलजिम्स के आपस में, क्रॉस इंटरोगेशन की, पूछताछ की, कितना इन्वेस्टिगेशन स्किल्स या टूल्स या तरीके हमने अपनाए होंगे, और आखिर में आकर हम ये कह सकते हैं कि हमने इतने सारे सिंडिकेट बस्ट कर दिए हैं और टोटल 52 आदमी हमने अब तक गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसके रहते हम लोगों को जो रिकवरीज हुई हैं 414 RRU और 110 BBU, तो आप लगाइए कि 554 के करीब जो हैं ये यूनिट्स, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स या रिसीविंग यूनिट्स जिसे आप कह सकते हैं, हमने सीज़ कर लिए हैं। और साथ में इसके हमारे को 161 बैटरीज भी मिली हैं, जो बैटरीज इसमें इन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, और बाकी सारे और औजार, हथियार और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स वो सब भी मिले हैं। तो 550 के करीब हम लोगों ने जो सीज़र किया है, आप अगर रफली इसको हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 करोड़ का ये सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो रफली अगर हम लोग बाकी जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स हैं, जो और हमारे पास तथ्य हैं जितने भी अब तक जो मिले हैं, तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि अब तक 5000 से ऊपर इस तरह के इक्विपमेंट्स, यूनिट्स, RRU एंड BBU चोरी होकर बाहर जा चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे फर्दर फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, कि ये इक्विपमेंट कहाँ पे लगा था, कहाँ से चोरी हुआ और कहाँ केस दर्ज हुआ या कहाँ कंप्लेंट पेंडिंग है, वो हम लोग अभी उसका मिलान कर रहे हैं। इसमें एक दो बातें इंटरेस्टिंग हैं वो मैं बताऊँगा। पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपनी टीम्स का नाम ले लूँ। RRU और BBU आप समझ गए कि ये क्या है। टीम जो है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा काम हमारी ISC की टीम सबसे लार्जेस्ट, उसमें मैं कहूँगा रिकवरी और सीजर में उनको कामयाबी मिली। ISC की टीम में SI सिमरजीत कौर, SI रविंदर, SI संजय, SI देवेंदर, SI वीरेंदर, ASI रतन, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, हेड कांस्टेबल नेमी चंद, हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल रामहरि और कांस्टेबल प्रवीण और इंस्पेक्टर शिवराज इनका नेतृत्व कर रहे थे। साथ में रमेश लांबा ACP हैं इस टीम के, और हमारे साथी संजय सैन जो हैं वो DCP रहे, और उससे पहले अमित गोयल ने भी काम किया था, लेकिन अभी संजय सैन साहब इसको पूरा सुपरवाइज कर रहे थे और इन्होंने पर्सनल एफर्ट्स करके, पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस टीम को प्रोत्साहित करके सबसे लार्जेस्ट रिकवरी, जो लेटेस्ट जो फाइनल हमारे को सारी लीड्स मिल गई हैं शुरू से लेकर अंत तक की, उसमें कामयाबी हमारे को मिली है। दूसरी टीम जो इस पर काम करती रही और काफ़ी उन्होंने भी रेट्स की, वो सेंट्रल रेंज की है। सेंट्रल रेंज की टीम के अंदर SI सुभाष चंद, बीरपाल, संजय राणा, हरीश बिष्ट, ASI पुष्पा दास, हेड कांस्टेबल रोशन कुमार, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, हेड कांस्टेबल समंदर कुमार, हेड कांस्टेबल जय सिंह, प्रवीण कुमार, अनूप कुमार, राहुल और वुमेन कांस्टेबल शबाना भी रेड में गई थी और इन लोगों ने रेड करके काफ़ी रेड किए, मैं आगे बताऊँगा, इन्होंने कामयाबी हासिल की। और इंस्पेक्टर जो इनको लीड कर रहे थे सुनील कालखंडे, और ACP जो नेतृत्व कर रहे थे वो पंकज अरोड़ा, और हमारे जो नए DCP अभी आए हैं विक्रम सिंह, इसको सुपरवाइज कर रहे थे ओवरऑल।
साथ साथ इसकी जो साइबर सेल की जो हमारी टीम थी उनके पास भी लीड्स थी। साइबर सेल की टीम में SI निशा रानी, प्रवेश कुमार राठी, हरविंदर सिंह, ASI कंवरपाल, विनोद कुमार और हेड कांस्टेबल विपिन कुमार, अनुज कुमार, विनोद, अनंत कुमार, कांस्टेबल सचिन, विजेंदर, सुरेश पाल और इसको वीरेंद्र सिंह हेड कर रहे थे और ACP साइबर सेल पवन भी यहाँ बैठे हैं मेरे शायद लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो पवन इसको लीड कर रहे थे और इसको भी हमारे पहले आकेश पावरिया देख रहे थे, बाद में हमारे साथी संजय सैन साहब जो है इसको लीड कर रहे थे और पूरा का पूरा जोर लगाया हुआ था कि ये टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और मैक्सिमम इसमें रिकवरी हो और मैक्सिमम इसमें चोर या इस ऑफेंडर्स या गैंगस्टर्स या सिंडिकेट्स जो भी आप इसको बोले पकड़े जाएं। साथ साथ ईस्टर्न रेंज ER1 अभी रोहतास को मैंने देखा है शायद हॉल में घुसे वो भी आ गए हैं, तो इनके साथ ईस्टर्न रेंज में SI देवेंद्र, ASI प्रवीण, हेड कांस्टेबल सूर्य प्रकाश, हेड कांस्टेबल सोहित, हेड कांस्टेबल अजीत, कांस्टेबल राहुल और इंस्पेक्टर लिचमन, इसको ACP जो है रोहिताश हेड करते हैं इस ER1 को, ईस्टर्न रेंज 1 को, और इसके भी DCP विक्रम सिंह हैं जो इसको लीड कर रहे थे।